तो फाइनली आईफोन 16 कल लॉन्च हो चुका है। कमाल का इवेंट था। अगर आपने वो इवेंट नहीं देखा तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कल लॉन्च हुआ, कौन कौन से प्रोडक्ट और क्या फीचर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाए, और पाकिस्तान में आईफोन 16, 16 प्रो मैक्स, वॉच 10 की क्या प्राइस होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सब बताता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट जो एप्पल लॉन्च इवेंट में इंट्रोड्यूस कराया वो है एप्पल वॉच सीरीज 10। एप्पल वॉच सीरीज 10 में सबसे बड़ा डिस्प्ले अभी तक का एप्पल ने दे दिया है, इवन वॉच अल्ट्रा से भी बड़ा। राउंडेड कॉर्नर्स हैं, ओलेड डिस्प्ले है, और एप्पल वॉच सीरीज 9 यानी पिछले साल से 40% ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। ऑलवेज ऑन मोड की भी एफिशिएंसी बढ़ा दी है, यानी कि अगर आप हाथ नीचे भी रखते हैं तो भी ये वॉच 60 FPS दे सकती है, और सेकंड्स की ये स्मूथ एनिमेशन भी दिखेगी। न्यू कलर ऐड हुआ है जेट ब्लैक एल्यूमिनियम फिनिश के साथ, और अभी तक ये स्लिमेस्ट एप्पल वॉच है। इस वॉच में आप डायरेक्टली स्पीकर से प्लेबैक ले सकते हैं, यानी कि अगर म्यूजिक्स वगैरह सुनना हो या फिर अगर कॉल अटेंड करनी हो तो यहाँ पर डायरेक्टली स्पीकर उसको प्ले कर देगा, एयरपोड्स की ज़रूरत नहीं है। और ये एप्पल सीरीज की सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाली वॉच है, यानी कि सिर्फ 30 मिनट के चार्ज में ये अप टू 80% चार्ज हो जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और इसी के साथ वॉच सीरीज 10 में नेचुरल टाइटेनियम की भी बिल्ड अवेलेबल है गोल्ड कलर में। एप्पल अपनी यहाँ का फीचर भी एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये सेंसर के थ्रू आपकी ब्रीथ को एनालाइज करके हर 30 दिन में आपकी हेल्थ ऐप में रिपोर्ट सबमिट कर दिया करेगा। इस वॉच में आपको दो साइजेस मिलते हैं, 42mm और 46mm, जो कि 1mm से बढ़ा दिया गया है पिछले साल की नस्बत। और अगर प्राइस की बात करते हैं तो $399 में GPS वर्जन लॉन्च हुआ है, जो कि 1,12,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, और GPS प्लस सेलुलर वर्जन आपको पाकिस्तानी 1,40,000 रुपये में देखने को मिल जाएगी जल्द ही मार्केट में। एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 का भी एक नया कलर इंट्रोड्यूस करा है, जिसको मैट ब्लैक कर रहे हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ नए स्ट्रैप्स भी इंट्रोड्यूस कराएं, बाकी सब कुछ सेम है, प्राइसिंग भी सेम है। वॉच के बाद एप्पल ने अपने ब्रांड न्यू एयरपॉड्स को शो करवाया, जो कि हैं एयरपॉड्स 4। सिमिलर ही हैं एयरपॉड्स 3 से, बट एयरपॉड्स प्रो 2 वाला चिपसेट H2 इसमें की लगाया गया है, जो कि डेफिनेटली ऑडियो क्वालिटी बेटर होने वाली है। स्पेशल ऑडियो भी इसमें डाल दिया गया है, और हेड जेस्चर भी देखने को मिलेगा, जो कि सर हिलाने पे या फिर नॉट करने पे आपकी कॉल को पिक एंड ड्रॉप करेगा। USB-C के सपोर्ट के साथ आ रहा है, वायरलेस चार्जिंग भी इनेबल है, और प्रो 2 वाले स्पीकर भी इनेबल हैं, जो कि एयरपॉड्स को ढूंढने में मदद करेंगे। एयरपॉड्स 4 में दो वेरियंट्स हैं, एक नॉइस कैंसिलेशन वाला, जिसके प्राइस पाकिस्तानी आपको 52,000 रुपीज़ पड़ जाएगी, और विदाउट नॉइस कैंसिलेशन वाला भी अवेलेबल है, जो कि अफोर्डेबल है, 37,000-36,000 में आपको मिल जाएगा। इसके साथ एयरपॉड्स मैक्स में बहुत सारे नए कलर इंट्रोड्यूस करवाए गए, और USB-C एयरपॉड्स मैक्स को दे दिया गया, बाकी सब कुछ सेम है, प्राइस भी सेम है। अब एयरपॉड्स प्रो 2 हैं जो पुराने वाले हैं, उसमें एप्पल ने कमाल के फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एप्पल ने हियरिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर पुश किया है, जिससे आप अपने कानों को टेस्ट करके हियरिंग एड डिवाइस की तरह आप एयरपॉड्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिलीव मी एक बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की इससे मदद होने वाली है, ये वाकई एक इनोवेशन है। अब फाइनली एप्पल ने आईफोन को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू किया। अब बात करते हैं आईफोन 16 की, और ऑलमोस्ट वही कुछ लॉन्च हुआ है जो कि हम लीक्स में देख रहे थे। आईफोन 16 में डिस्प्ले और मजबूत कर दिया है, पिछले आईफोन से 50% टफर सेरेमिक शील्ड मिलेगी इस आईफोन में। अभी इस सिरेमिक शील्ड का कोई पैरामीटर वगैरह नहीं बताया, बस वर्ड से ही कह दिया गया है, लेकिन जब फ़ोन आएगा, टेस्ट आउट होगा, तो देखेंगे कितनी ज़्यादा टफ है। बिल्कुल न्यू और वाइब्रेंट कलर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, पहला है अल्ट्रा मरीन, टील, पिंक, वाइट और ब्लैक। एक्शन बटन भी आईफोन 16 में मिल रहा है, जिसमें आप कोई भी एक्शन सेट कर सकते हैं। 3nm का ब्रांड न्यू चिपसेट हमें आईफोन 16 के लाइनअप में मिला, और ये एक अच्छी खबर है। 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ 17% प्रीवियस आईफोन से ज़्यादा मेमोरी बैंडविड्थ, और 13% आईफोन 15 के A16 चिपसेट से फास्ट है, और कम बिजली भी यूज़ करता है, एंड एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर इसमें मिलेंगे। कैमरा बटन आईफोन 16 में फाइनली हमें देखने को मिला, जिसके बारे में हम लीक्स में बहुत बात कर रहे थे, लेकिन जितना ये लीक्स में लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ये कर सकता है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है। सिंगल पुश पे आप कैमरा ओपन कर सकते हैं, एंड अगेन सिंगल टैप पर आप फोटो क्लिक कर पाएंगे। टैब एंड प्रेस करने पर ये वीडियो शूट करने लगेगा, और स्लाइड इन एंड आउट पर सब्जेक्ट पर जूम इन एंड जूम आउट कर सकेंगे। होल्ड करने से आपको क्लीन प्रीव्यू
मिलेगा और डबल टैप से यहाँ पर आपके सारे फीचर्स इनेबल हो जाएंगे, जिसको स्लाइड करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये वाला फीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये सिर्फ कैमरा में ही नहीं, आपके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और डिफरेंट कैमरा ऐप्स में भी काम करेगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वही आईफोन 15 वाला, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मैक्रो मोड और ऑटो फोकस भी मिल रहा है। कैमरा को वर्टिकल करने से स्पेशल वीडियो भी हमें मिल रहा है। और सबसे रेवोल्यूशनरी और लेवल का फीचर जो है, वो फाइनली आपको आईफोन में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप पॉज कर सकते हैं और वहीं से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। 30% तक थर्मल इम्प्रूव्स हैं गेमिंग के लिए पिछले आईफोन से। रे ट्रेसिंग भी मिलेगी और पहले से ज़्यादा बैटरी मिलेगी, नंबर में भी और चिपसेट से भी। प्राइस दोस्तों पाकिस्तान में जो बनती है वो 2,23,000 रुपये, और स्टार्ट में ये 3,50,000 से भी ऊपर बिकेगा। और आईफोन 16 प्लस वैसे तो आपको मिलना चाहिए 2,50,000 या 2,60,000 में, लेकिन स्टार्ट में ये 4,00,000 से भी ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में हर साल होता है, परेशान ना हो, फ्राइडे को वीडियो डालूंगा, उसमें सब एक्सप्लेन करूंगा। अब बारी आती है आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स की, और सबसे पहला जो नोटिसेबल चेंज हमें मिलता है वो है डिस्प्ले का। प्रो मॉडल में 6.3 इंचेस का डिस्प्ले अब मिलेगा और प्रो मैक्स मॉडल में 6.9 इंचेस तक का डिस्प्ले मिलेगा। टाइटेनियम ग्रेड 5 यूज हुआ है इसमें, 4 कलर के साथ आता है, जिसमें डिजर्ट टाइटेनियम न्यू है, A15 प्रो चिपसेट है, 16 कोर का न्यूरल इंजन, लेकिन 6 कोर का GPU, जिसमें 2x तक ज़्यादा फास्ट रे ट्रेसिंग मिल जाती है, और इसमें भी अब तक की बेस्ट आईफोन की बैटरी है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वही आईफोन 15 वाला, बट सेकंड जनरेशन के सेंसर के साथ, और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है। टेलीफोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन 5x तक टेट्रा प्रिज्म टेक्नोलॉजी के साथ जूम इन कर सकता है, और ये प्रो मॉडल में भी अवेलेबल है। कैमरा बटन इसमें भी मिलता है उन्हीं सारे फीचर्स के साथ, लेकिन इसमें आप सब्जेक्ट पे फोकस को लॉक कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, जो कि फोटोज और वीडियोस बनाते हैं उनके लिए एक बड़ा कमाल का फीचर है। कलर पैड भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आप अपने लाइटिंग वगैरह को और कलर ग्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। वीडियोग्राफर्स के लिए एक कमाल फीचर आया है, अप टू 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर आप वीडियो को शूट कर पाएंगे सिनेमैटिक के साथ, और प्रोरेस और लॉग वाला फीचर भी इसी फ्रेम्स पर सेकंड पर और इसी रिजोल्यूशन पे आपको मिलेगा। लेकिन उससे भी कमाल बात यह है कि वीडियो शूट करने के बाद आप उस वीडियो का FPS को सिलेक्ट कर सकते हैं, 120 फ्रेम्स पर सेकंड और 24 FPS तक, आप बीच में कोई भी FPS सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कमाल है और कन्वीनियंट है। 4 स्टूडियो ग्रेड माइक्स हैं और उनमें भी डिफरेंट स्टाइल से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑडियो मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे फ्रेम्स में जो लोग हैं उनका ऑडियो आना चाहिए, स्टूडियो जैसा साउंड आना चाहिए, या फिर सिनेमैटिक मूवीज जैसा। आईफोन 16 प्रो बेस मॉडल 128 GB से शुरू हो रहा है, और ये पाकिस्तानी प्राइस में आपको 2,80,000 रुपये का देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट में नॉन PTA 4.5 लाख से 5 लाख रुपये या इससे भी ऊपर में आपको मिलने वाला है। और 16 प्रो मैक्स स्टार्ट हो रहा है 256 GB वेरियंट से, और ये लॉन्च हुआ है 3,40,000 रुपये में। तो ये था एक छोटा सा समरी लॉन्च इवेंट की, और ये प्रोडक्ट और इन फीचर्स के साथ इस लॉन्च इवेंट में लॉन्च हुए हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा आईफोन पसंद आया और आप अपग्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।